Welcome to Time News Studios. You are watching 12 a.m. Bulletin. The heck does he think he is? You're gonna get a kick out of it. Important election in the history of our country. जो बाइडन अमरीका जो 46वां सदर चूंजी वो सदारती चूंड में डोनाल्ड ट्रंप के शिकस्त अमरीकी मीडिया दावा कई है तो पेंसिल्वेनिया रियासत में भी इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर बाद जो बाइडन के वोटन जो अंग 273 थी वो जैसे सदर थियण लाइ 270 इलेक्टोरल वोट्स घुर्बल हुआ। ट्रंप रुगो 214 इलेक्टोरल वोट्स खड़ी सको। जो बाइडन जनवरी में सदर के अहदे जो हल्फ खणंदो कामयाबी बाद जो बाइडन ट्वीट कंदे अमरीकी आवाम जा थोरा मञा ही चयो तो अजीम मुल्क की क़यादत करण एज़ाज़ है। केतरन ही चैलेंजेस के मुंह दियणो है पर वायदो कयां तो मां समूरन अमरीकी शहर लाइ सदर हूंदुसि। अमरीकी तारीख में पहरियों भेरों एक एशियाई अफ्रीकी औरत नायब सदर चूंजी वही। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला देवी हैरिस की माँ भारत ई अफ्रीका में पैदा थो। सनस वालदेन PhD करण लाइ अमरीका आया तो कैलिफोर्निया में एक बे की मोहब्बत में गिरफ्तार थी वाया। नायब सदर चूंजी वेल कमला हैरिस कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल भी रही चुकी है। वीरों ने सोचा कि अब तो इसको ब्लैकमेल कर लेंगे कि पहले नैप को खत्म करो और फिर हमें पैटर्न साइन करेंगे। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के यहाँ हमारी फौज को फौज के खिलाफ साजिश और जो ISI का चीफ है उसको फौज बदल दे तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है? वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। और ब्लैकमेल न थियो तो अपोजिशन वारन अदलिया आर्मी चीफ ISI ते हमलो कयो। आर्मी चीफ ISI ते हमले जो मकसद फौज से हमलो है। नवाज शरीफ लंदन में वे ही फौज खिलाफ साजिश कर रो है। अच्छा फौज को जमहूरी इदारो है जो आर्मी चीफ खिलाफ बेतमादी वाली रिट पास करे। नवाज शरीफ चई रो है तो मुल्क में फौजी बगावत थे। वजीर आज़म इमरान खान चयो है तो मुल्क अंदर जारी सर्किस में शामिल चोरन मुल्क के लुटो आवाम के कर्जन में बोड़े पान अमीर थी वाया। अपोजिशन वारा ब्लैकमेल कर रहा है तो जी नैब के खत्म करें सदन चोरी बची वे। ब्लैकमेल कदड़न के वाजे करें तो तवो मुकाबलो इमरान खान से है। अल्लाह ताला मुख्य मुकाबलो कर सिखारो है जी वे तीन करो काम जो लुटल नाणो वापस आने ताई तवां के न छींदुस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच नवाज लीग का रस्ता धार कर बाबा ऐलान कर छो। सनाउला जहरी वनू लीग चलेंगी। अब्दुल कादिर बलोच है तो फौज में बखावत जो बिज छकण वाली गाल की कें भी सूरत में हिमायत न कंदुस। अगूड़े वे वजीर सनाउला जहरी की भी बेइज्जती बर्दाश्त न तो कर सका। नवाज लीग बलोचिस्तान के सदर वाले अहदे तां इस्तीफा वाले फैसले जहा ये बई कारण हैं। सनाउला जहरी लंगण नवाज शरीफ की फितरत है उन पैं मौसलन के भी नाही छो। नवाज शरीफ लंदन में वही मोदी के एजेंडा कम कर रो है। लीडर मुल्क छड़े फरार नाहिन थींदा। लीडर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जड़ा हूँ जैं फाही के चढ़ने बावजूद ज़ियाउल हक़ का माफ़ी न वरती। अब्दुल कादिर बलोच सनाउला जहरी तरफा नू लीग छड़े दियण सदन बयान से नवाज लीग क़यादत जो रद्देअमल साबू थी वो। नू लीग के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल है तो बिन माण्हुनि जे वञण सां बलोचिस्तान में पार्टी से को फर्क न पवंदो। सनाउला जहरी तो बिन सालन का गैर फ़ाल हो पैंजी हुकूमत जो दिफा न कर सकण जे करे शर्मिंदा हो। अब्दुल कादिर बलोच सनाउला जहरी बुधाए छो है तो असल मसलो स्टेज से कुर्सी न मिलने जो हो। शाहिद काकन अब्बासी जो चवण है तो एक जलसे में सनाउला जहरी के दावत न दियण वाले मामले के PDM से गंढण गलत कूड़ी गाल है। असल हकीकत का अब्दुल कादिर बलोच पे वाकिफ है मुख्य भी खबर है।
पीपी अखबार खुर्शीद शाह पंजीन लाइ पेरोल के आजाद खुर्शीद शाह की भाइटी के लाडाड़े सबब के 7 नवंबर का 11 नवंबर तीन आजाद किया वो भाइटी के जनाजे नमाज में शिरकत जरूर खाते संदस पेरोल से आजादी जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो खुर्शीद शाह की पेरोल से आजादी लाइ ट्रांसपोर्ट बारे वजीर अबेस कादिर शाह हुकूमत के दरख्वास्त डी हुई। लाहौर की नैब की ऑफिस सालों हंगामन वाले केस में नामजद नवाज लीग एम पी ए ख्वाजा इमरान नजीर गिरफ्तार फैसल टाउन की पुलिस ख्वाजा इमरान नजीर के गिरफ्तार कर वरतो पुलिस को चवण है तो नैब ऑफिस सालों पथराव लाए इमरान नजीर की गाड़ी इस्तेमाल कई वही हुई केस में जमानत न थे ते केस गिरफ्तार किया है लीगी एम पी ए इमरान नजीर के फैसल टाउन थाने का चुंग थाने से मुंतकिल कर वो नवाज लीग एम पी ए जो चवण है तो केस सियासी इंतकाम जो निशानो बढ़ा पे वे हुकुमरान के टिकसाटन का डिजन वाला ना गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की मर्जी पटादड़ हुकूमत छाही वेंदी आवाम कठपुतली हुकूमत उनके अगूंदे वजीर के चवण में ना अचे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी दियामिर में चूंड जलसे के खिताब दौरान गिलगित बल्तिस्तान जो आवाम यूटर्न वठंदड़ कूड़न बदरा पीपुल्स पार्टी जो साथ दे 15 नवंबर से चूंडन में कामयाब किया वे गिलगित बल्तिस्तान के सूबे वो हक दियारो है संदन नुमाइंदन के कौमी असेंबली में पहुंचाणो है। पीडीएम तरफा नवाज शरीफ की तकरीर बाबत बिलावल भुट्टो के बयान से बहस करण जो फैसलो मौलाना फजल रहमान की सरबराही में अज थी इजलास दौरान बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू से बहस किया वो इजलास में पेशावर वाले जलसे सूबो हुकूमत खिलाफ तहरीक के अगत बढ़ाने सलाह मशवरा क्या वा गिलगित बल्तिस्तान की चूंडन जी बी के उबूरी सूबो बढ़ाने वाले वजीर आजम के ऐलान से भी गौर थो मरियम नवाज चाहिए तो बिलावल भुट्टो पैंने इंटरव्यू में अड़ी का भी गाल न कई है जैसे नवाज शरीफ के एतराज हुए नवाज शरीफ जो बयान यो तब्दील नो कुछ मानून के बिलावल के बयान के बो रंग दियण की जरूरत पे रही है पीडीए में डार वेहन की कोशिश कई भी वे पाकिस्तान नवाज शरीफ जो वतन है वो जरूर दे वापस सोलह तारीख से नई बातें मिलना शुरू हो जाएंगी गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान में हारने वाले अब इस हार को तस्लीम करते हैं कि वो नहीं तस्लीम करते। कल बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा जोरदार बयान दिया है, उन्होंने एक जिम्मेदाराना सोच का अंदिया दिया है कि पीडीएम में फौज को निशाना बनाने का या फौज के जनरल्स का नाम लेकर निशाना बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ था। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी और नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। कोई सियासतदान डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करता और इमरान खान ने बड़ा बर्मला कहा है कि नैब केसेस और एनआरओ के अलावा तमाम चीजों पर बातचीत और मशावरत और डायलॉग के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जिम्मेवारों इंटरव्यू दिनों है अगकथी कर चुको आया तो पीपल्स पार्टी 20 जनवरी ती नवाज लीग से गड नही सी वफाकी वजीर शेख रशीद है तो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के आवाम जो फैसलो न मनो वो तो उनकी सियासी बदमस्की भी न हूँ मरियम नवाज पैंकी सियासत के बंद घिटी में वही वही रही है सियासत में गालन जहा दर बंद नाहन किया वा डायलॉग पदरा जूडू कराटे से यकीन रखन की सियासत बंद घिटी में हली वी मुल्क में मार्शल आ नो लगी सके नई दुनिया में मार्शल आ जड़ी हालतू हैं इमरान खान 5 साल पूरा कह मरियम का बेल पे आई हुई है ये भी सुन लो और रिकॉर्ड सुन लो खूबसूरत तो है मैं सच बोलूंगा लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की दो हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है ये आपका माल है। और अगर मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पारा नून लीग अखबार मरियम नवाज बाबत नामुनासिब जुमलन से सोशल मीडिया से सख्त रद्द अमल अली अमीन गंडापुर तो मरियम नवाज सुनी जरूर है पर संदस खूबसूरती जो सबब कौम की लुटल दौलत में करोड़े रुपया खर्च करे करायल सर्जरी है इन दौलत में जरो भी अवान खर्च कर अवाम ब्रेड पिट और टॉम क्रूज थी वफाकी वजीर के अड़न जुमलन के सोशल मीडिया से सख्त तनकीद जो निशानो बढ़ा पे वे
हुकूमती दावाउन बावजूद मुल्क में महंगाई जो जिन बोतल में न आयो एक हफ्ते में आम वाहिपे की 14 शेयर की अगर में बधी के इजाफो रिकॉर्ड शुमारियात खाते महंगाई की हफ्तेवार रिपोर्ट पदरी कर छी। रिपोर्ट में चयो है कणक खंड टमाटा बाहर घुरा जो असर नजर अचान लगा एक हफ्ते में टमाटा 85% सस्ता थी वाया और टी खंड के अगर में ₹2 रिकॉर्ड ला। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर के अगर में 85 रुपया वार कुकर के गोश्त में 17 थूम के अगर में 9.5 रुपया फी किलो वार गुजल हफ्ते दाल माश चणन की दाल और खुश्क खीर के अगर में भी इजाफो रिकॉर्ड। छाछरो वेझो एक औरत 15 साल की भायती सूदो मुबैना तौर खूह में टपो दई जिंदगी जो अंत आने छोड़ो कारण मालूम नी सको 50 साल की सरजीत साल रोशन अली ए संदस भायती रजिया जलास खूह में बाहर कढ़ी वह पुलिस को चवण है तो वारसन मौजूद वाको आबखात है जांच कई पी वे। सिंध के बेटन से वफाकी वालार खिलाफ कंदकूत में निकतल कौमी अवामी तहरीक जो मार्च घारो पहुंची वो जिता सुबह कराची ला रवानो थी गुलाची में बठोरो डड़ो सजावल थठो में काफलन की गुल की वर्खा से आजियाँ मार्च के खिताबन दौरान अयाज उद्दीन फरीजो चयो ता कराची पहुंची वाजे पैगाम दीदी तो वसीलन के कब्जे के बर्दाश्त न किया वो बेटन सूदो बन वसीलन जहा मालिक सूबे जो अवाम है पीपल्स पार्टी के को भी हक ना तो बेट विकने छे वफाकी सरकार बसिन के वसीलन के कब्जन बारी साजिश बंद करे। मोरो की लतीफ कॉलोनी में औरत के गलो कपे लाश हथ पुलिस वाके में इस्तेमाल थे छुरी हथ कर वरती औरत किरण के मुड़स वकास क्यों आरई जो चवण है तो नमाज पढ़ी रो हो जाल जो लाश डिठो पुलिस को चवण है वाके बाबत फिलहाल न तो ची सके तो कतुल है या आबखात जांच कर कार्रवाई अमल में आंदी वी। जिकाबाद वेझो बायपास से बलोचिस्तान का इंड तेज़ रफ्तार कार जो मोटरसाइकिल के टक्कर बजना अजल जो शिकार जख्मी फौतन में फतेह मोहम्मद पवर आई वजीर पवर शामिल जख्मी मोहम्मद आका रिजवान की नाजुक हालत में लाड़काने रेफर किया गया। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर वेझो थाने भरसा फास्ट फूड होटल से हथियारबंदन की का सरियाम फुरलुट जहाँ सीसीटीवी फुटेज सामू अची वह फुटेज में मोटरसाइकिल से सवार टिन हथियारबंदन के होटल के मुलाजमन बन शहर का फुर कदे ऐसी सके तो जमशेद क्वार्टर थानों वेझो एडो वो वाक पेश अचन बावजूद पुलिस गायब रही। टे हफ्ता अग मुबैना तौर औरतानी आवाज तहरीक से खौसपुर वेझो कच्चे में अगवा थी वल खैरपुर वासी ब नौजवान महताब राशिद मकुल बासियाब वारसन तस्दीक करने है तो बई नौजवान वज वी धारिल के चंबे में आजाद थी वह लखे रुपया भुंग भरण जहा चोबोल कंबर के अली खान पाड़े जो रिवासी नौजवान मिस्री तनवीर एक कश्मोर भरसा मुबैना तौर अगवा थी वो तलाक दिनी दोरी दाल वो वट सागी वे छो तो शादी क्या घर वसा तो चंगो भरो कपड़ा कम कर मजूरी केर पे वन तो ये घर पंजो साल आयु छेड़ो हल तो तरी तलाक दे छी प्यार मोहबर तलाक दे छी नुकसान न थे इन में बाबा जे खराब बा छड़े दिनी बस तू पानी मर्जी से पान पोले तो चढ़ी मथे मसले था पनवा किलवासी शख्स भी शादी न थे खिलाफ 132 केवी बिजली के पोल से चढ़ी वो इलाके वासन जो हेठ लही अचान ला मिंथू पुलिस चंगन मुड़सन की मदद से हनीफ दस्ती के पोल तां हेठ लाए हिरासत में वही छो हनीफ दस्ती पैरी जाल के तलाक दिनी हुई जमा केस नव बार जो औलाद है धीए के संग एवस भी शादी करण की ख्वाहिश पूरी न थे हनीफ दस्ती खंभे से चढ़ी वो पुलिस को चवण है हनीफ दस्ती खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आंदी वी। पाकिस्तान पहली T20 मैच में जिम्बाब्वे के 6 विकेट से शिकस्त दी छी पाकिस्तान 157 रन जो हदफ 19 ओवर में हासिल किया कप्तान बाबर आजम 82 रन की शानदार इनिंग खेली मोहम्मद हफीज 36 फखर जमान 19 रन ठाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ सगद माहिया शाहिद सियाल हेडलाइंस वाली टीम बुलेटिन की शुरुआत कनासी शॉर्ट ब्रेक का अवनिश नारो टाइम न्यूज़।